फाइनली यमहा ने XSR 125 को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि XSR 125 आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई इंडिया में जो है XSR 155 बहुत ही लंबे समय से कमिंग सून में चल रही थी, लेकिन वो गाड़ी जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रही है। लेकिन भाई अब चांस है कि आपको इंडिया में XSR 125 मिल जाए, क्योंकि इंडिया में जो सेगमेंट है 125 सीसी का, उसकी जो सेल फिगर है, उसकी जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। ऐसे में भाई आपको जो है XSR 125 इंडिया में मिलेगी, जिसका कि बहुत ज़्यादा चांस अब लग रहा है। क्योंकि इंडिया में आपको जो है KTM की ड्यूक 125, बजाज की पल्सर NS 125 और बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट मिल जाती है, लेकिन आपको यमहा की ओर से अभी तक जो है 125 सीसी में कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है। यमहा की ओर से जो है अभी इंडिया में यमहा R125, यमहा MT125 और यमहा XSR125 और यमहा FZS125, यमहा की ये गाड़ियां हैं जो कि 125 सीसी सेगमेंट में इंडिया में कमिंग सून में चल रही हैं। लेकिन अब यमहा ने XSR को भी लॉन्च कर दिया है 125 सीसी सेगमेंट में यूरोप में, तो भाई ये गाड़ी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, वो तो कन्फर्म है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको XSR 125 कब इंडिया में मिलेगी, गाड़ी का प्राइस क्या होगा, गाड़ी के स्पेक्स क्या होंगे, गाड़ी में आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे जब XSR इंडिया में लॉन्च होगी 125 सीसी इंजन के साथ। यमहा XSR 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा वेबसाइट का, वहां जाकर आप यमहा XSR 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं XSR 125 के डिज़ाइन और लुक के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको XSR 155 के जैसी मिल जाएगी, लुक वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, आपको सेम लुक्स मिल जाएंगे। गाड़ी के जो कलर स्कीम्स हैं, जो ग्राफिक्स हैं, उनमें आपको चेंजेस मिलेंगे। आपको XSR में जो है तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला आपको मिलता है रेड, दूसरा आपको मिलता है येलो, तीसरा आपको मिलता है ब्लैक, जो कि भाई तीनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी आई कैची लग रहे हैं। लेकिन भाई इन दोनों गाड़ियों के जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों के जो डायमेंशंस और वेट हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिल जाएगा। XSR 155 में आपको जो है भाई 10 लीटर का फ्यूल टैंक को मिल जाता है, लेकिन आपको XSR 125 में आपको जो है 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। XSR 125 का जो माइलेज है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस गाड़ी में आपको जो है 50 से लेकर 60 KMPL के आसपास का माइलेज मिलेगा, और जो गाड़ी का टॉप एंड है वो आपको 120 के आसपास का मिल जाएगा। XSR 125 में आपको जो है फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, साथ में भाई आपको इंडिया में भी मिलेगा सिंगल चैनल ABS। इसके जो टायर के साइज हैं वो आपको सेम मिलेंगे जो आपको मिलता है XSR 155 में। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में मिलेगा 110 mm का टायर, रियर में आपको मिलेगा 140 mm का टायर। फ्रंट में आपको मिलेंगे टेलीस्कोपिक के फोर्क, रियर में आपको मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और इसके जो कंसोल हैं वो आपको मिलेंगे फुली डिजिटल, जो कि आपको राउंड शेप में मिल जाएगा। गाड़ी के जो हैंडल बार्स हैं वो आपको मिलेंगे सिंगल पीस, और गाड़ी की जो सीट है वो भी आपको मिलेगी सिंगल। गाड़ी के जो लाइटिंग के सेटअप है वो आपको मिलेंगे LED के, गाड़ी में आपको LED के हेडलैम्प, LED के टेल लैम्प मिल जाएंगे, और इसका जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा हैलोजन का। XSR 125 जब इंडिया में लॉन्च होगा भाई आपको फ्रंट में आपको इंडिया में जो है टेलीस्कोपिक के फोर्क मिलेंगे, इंडिया में आपको UHD वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। XSR 125 में आपको इंजन काउल वगैरह मिल जाएगा। XSR 125 में आपको जो है 124 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा F5 के साथ। गाड़ी में आपको 13.4 HP का मैक्स पावर मिलेगा, और इसका जो टॉर्क है वो आपको 11 Nm का मिल जाएगा। गाड़ी में आपको मिलेगा सिंगल सिलेंडर 6-स्पीड गियर बॉक्स, जिससे कि गाड़ी का माइलेज टॉप एंड आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ये गाड़ी भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, क्योंकि आपको XSR 125 जो है ये आपको लगभग इंडिया में 1.20 लाख रुपीस के आसपास तक एक्स शोरूम मिल जाएगी। लेकिन भाई ये कन्फर्म प्राइस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको अगले साल के शुरुआत तक मिलेगी, भाई ये गाड़ी आपको इस साल नहीं मिलेगी, वो आपको मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ। इस साल तो भाई कोई भी चांस है ही नहीं, क्योंकि हाल ही भाई ये गाड़ी जो है यूरोप में लॉन्च हुई है, तो भाई ये गाड़ी यहाँ पे तो अभी लॉन्च
से नहीं होगी। वैसे भी इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है भाई, ये गाड़ी आपको वैसे भी अगले साल ही मिलेगी। XSR 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा वेबसाइट का, वहां जाकर आप XSR 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं वेबसाइट पर। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।